आशा की आंख हर रोज की तरह सुबह 6 बजे खुली। रूम का पर्दा खुला था और सूरज की रोशनी ने पूरे रूम में उजाला कर दिया था। आशा ने आंख खोलते ही अपने दोनों बच्चों को याद किया, रोहित और अंकिता, जो कल रात को ही अपनी जॉब के लिए वापस मुंबई चले गए थे। वो अक्सर 3 महीने में एक आध हफ्ते की छुट्टी लेते और घर आ जाते और फिर वापस। आशा ने सोचा उन दोनों को एक गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप भेज दूं, और उसी ख्याल से अपने बेड पे उसने हाथ फिराया फोन ढूंढने के लिए। फोन वहां ना मिलने पर उसने अपना हाथ साइड वाले टेबल पर भी मारा और फोन वहां भी नहीं मिला। फिर उसको याद आया कि फोन तो उसने सामने वाले कमरे में ही रात को रख दिया था। बार बार कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आते रहते थे और उसकी नींद बिगड़ जाती थी। आशा ने अब हिम्मत जुटाई और अपने सुस्ती को भगाते वो बेड से उतरी, और जैसे ही उसकी नजर जमीन पे पड़ी तो वो अचानक से डर गई और मन में चीखी, अरे ये क्या है? पूरी जमीन पर लाल रंग के पैर के धब्बे थे, छोटे छोटे से पैर के धब्बे, और वो उसके बेड के सामने के दरवाजों की ओर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के पैर खून से लथपथ होकर यहां से चल के निकले हो। एक आध मिनट के लिए तो आशा बहुत ही घबरा चुकी थी और उसका दिल एकदम से रुक गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे करते उसकी सांस में सांस आई और उसने अपने सोते हुए पति अनिल को उठाया। अरे उठिए, ये देखिए, ये क्या है? अनिल नींद से उठा और उन दोनों ने फिर उन धब्बों के पीछे पीछे चलना चालू किया कि पता तो लगे कि आखिरकार ये कहां तक जा रहे हैं। धब्बे इनके रूम से निकल के सामने वाले रूम में घुसे और चलते चलते रॉकी के बेड के सामने रुक गए। रॉकी उनके घर का छोटा सा कुत्ता, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने वो पुराने हच की एड में देखा था। रॉकी वैसे तो चैन की नींद में सो रहा था, उसे कोई होश नहीं था, लेकिन आशा और अनिल की आवाज सुनकर वो भी उठ गया और भौंकने लगा। अनिल ने फिर नीचे झुककर उन धब्बों को छू के देखा, लेकिन दाग तो पूरे सूखे हुए थे, गहरे थे लेकिन सूखे हुए थे। और फिर आशा ने अचानक हंसते हुए कहा, अरे ये पक्का रॉकी की हरकत होगी, ये बाहर से कहीं गंदगी में खेलकर आया होगा और उसके ही छोटे से पैर से ये धब्बे बन गए होंगे। अनिल को भी लगा कि हाँ ये वही कारण होगा, और वो दोनों ने चैन की सांस ली और थोड़ा सा हंसने भी लगे कि क्या सुबह सुबह फालतू का डरा दिया। रात में जब पूरे परिवार के बीच वीडियो कॉल हुई तो ये किस्सा बच्चों को सुनाया और सब मिलकर खूब हंसे, और दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप का खूब मजाक भी उड़ाया कि रॉकी ने आप दोनों को डरा दिया। बात वहीं खत्म हुई और सब इस किस्से को अगले दिन ही भूल गए। लेकिन 2 हफ्तों बाद वो धब्बे फिर से आ गए, और इस बार तो थोड़े से बड़े भी थे। आशा और अनिल ने इस बार ज्यादा नहीं सोचा और उन धब्बों को पोंछवा दिया। इस बार की उनकी सोच ये थी कि उनका कुत्ता रॉकी बाहर से खेल कर आया होगा। बात को फिर से भुला दिया गया, लेकिन वो धब्बे मानो बात को खत्म ही नहीं करना चाह रहे थे। इस बार तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ गए, और अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि बाहर पड़ी चौकी पर भी थे, और इस बार धब्बे और भी ज्यादा गहरे और बड़े थे। अब आशा और अनिल थोड़ा सा घबराए, वो धब्बे तो रॉकी के पैर से काफी बड़े थे, वो उसके नहीं हो सकते। और जब अनिल ने उन धब्बों को छू कर देखा तो वो पहले की तरह सूखे हुए नहीं थे बल्कि खून के धब्बे थे। दोनों मियां बीवी कुछ ज्यादा ही घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को फोन किया, जो कि अगली फ्लाइट लेकर वापस आ गए। इससे पहले कि रोहित और अंकिता घर पहुंचते, अनिल ने तुरंत कुछ पूछताछ करके एक पंडित को भी ढूंढ निकाला जो इन सब चीजों में माहिर जाना जाता था। वो एक किस्म का तांत्रिक था जो ऐसी कई गुत्थियां सुलझाता था। वो तांत्रिक और बच्चे दोनों घर पे एक ही टाइम पर घुसे। बच्चों ने अपना सामान रखा और उतनी देर में तांत्रिक ने घर का एक पूरा चक्कर भी काटा। वो जिस जिस कमरे में जाए वहां से थोड़ी सी धूल या मिट्टी उठाए और उसको सूंघे।
फिर उसको वहीं पर फेंक कर लंबी लंबी सांस ली। सब बस उसको शांति से देख ही रहे थे कि ये क्या कर रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो तांत्रिक उस अनिल और आशा के कमरे की ओर दोबारा आया, जहां से वो खून के धब्बे शुरू होते दिखाई देते थे। उसने वहां की धूल उठाई और फिर से सूंघा, और इस बार उसे थोड़ा झटका सा लगा। उसने तुरंत वो धूल फेंक ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और कुछ मंत्र सा पढ़ने लगा। ये सब कुछ एक मिनट तक चला और फिर वो तांत्रिक बेड पर बैठ गया और उसने उन बच्चों से कहा, बेटा तुम दोनों में से कोई एक जाओ और एक ग्लास में पीने का पानी लेके आओ, और हाँ, अपने नौकर से मत बोलना, अपने ही हाथ से ग्लास उठाना, उसमें पानी भरना और लेके आना, और हाँ, एक चम्मच भी लेते आना। रोहित तुरंत उठा और ग्लास में पानी और एक चम्मच लेके आया। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ना चालू किया और साथ साथ चम्मच से पानी को घोलने भी लगा, और बस कुछ ही सेकेंड्स में पानी से निकलने लगे कुछ काले काले धागे, समझिए जैसे एक उंगली जितना बड़ा एक एक धागा। सब के सब चौकन्ने हो गए कि ये क्या है। तांत्रिक धागे दिखाते हुए बोला, ये लीजिए अनिल जी, आपके घर में किसी ने काला जादू कर रखा था। कोई आपसे या आपके बच्चों की तरक्की से खुश नहीं है तो आपको परेशान करने की कोशिश है। घबराइए नहीं, अब सब सही हो जाएगा, मैं कुछ मंत्र पढ़ देता हूँ। ये बोलते हुए तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो बोला, देखिए अनिल साहब, मैंने मंत्र तो पढ़ दिए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों बच्चों को इस घर में एक महीने के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं मुंबई। जब तक बच्चे इस घर में हैं तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये महीने से पहले ही बाहर जाएंगे तब ये आत्मा आपको फिर से परेशान करने की कोशिश कर सकती है। ये कहकर तांत्रिक चला गया। सबने अब एक चैन की सांस ली और सबको लगा कि चलो बुरी बला टली। सबने खूब सोचा कि कौन होगा जो ये सब कर रहा होगा, क्या वो कानपुर वाले चाचा कि वो लखनऊ वाली बुआ। बातों बातों में समय बीत गया, लेकिन उन दोनों बच्चों को इन सब चीजों पे विश्वास नहीं था। उन दोनों ने तो उसी वक्त उन काले धागों की खूब रिसर्च कर डाली, और ये कहां से निकले होंगे, क्या उस तांत्रिक के हाथ की कोई सफाई थी, नहीं तो कैसे। फिलहाल वो घर पर एक हफ्ते के लिए रुके, और इस बीच जब सब ठीक हो गया तो उन्होंने वापस मुंबई जाने की सोची। अनिल और आशा ने भी ज्यादा नहीं सोचा और इस तांत्रिक की बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने भी अपने बच्चों को वापस मुंबई भेज दिया। और बस जिस दिन वो लोग गए, अगले दिन से ही वो खून के धब्बे वापस, और अब तो वो सिर्फ जमीन या बाहर पड़ी चौकी पर नहीं थे, वो पूरे घर में फैले हुए थे। घर का एक भी कोना ऐसा नहीं था जो कि खाली बचा हो। घर में वो डर वापस आ गया। आशा ने अपना सर पकड़ा और बोली, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस तांत्रिक की बात को ना मानकर। बच्चों को वापस बुलाओ तुरंत। बच्चे अगले ही दिन वापस आ गए और वो धब्बे फिर से गायब। उन्होंने उस तांत्रिक को भी फोन किया, पर पता लगा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और आने में समय लगेगा। बच्चे फिर से घर पे रुके, लेकिन रोहित की कंपनी की तरफ से बस दो दिन वापस मुंबई आने का थोड़ा दबाव आया। उसको कुछ पेपर साइन करने जाना था, जिसके बिना कंपनी की एक डील की बात आगे नहीं बढ़ती। उन्होंने सोचा कि चलो अंकिता तो है घर पर, सब ठीक रहेगा। ये सोचकर रोहित दो दिनों के लिए मुंबई निकला, और फिर क्या था, इस बार खून के धब्बे पूरे घर पर तो थे ही, अब दीवार पे भी थे, ऐसे जैसे खून के छींटे दीवार से गिर रहे हो। और जब आशा बाहर बालकनी में गई तो ये क्या, धुले हुए कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे। दहशत की सीमा पार होती जा रही थी, पूरा घर एकदम कांप सा उठा था। उन्होंने सब कुछ साफ तो कराया, लेकिन अगले ही दिन सारे धब्बे फिर से वापस, और इस बार तो कब्बड़ में पड़े कपड़ों पर भी दिखने लगे और बेड पर पड़ी चद्दर पे भी। जमीन और दीवार तक तो ठीक था, लेकिन जब आशा के कपड़े और बेड की चद्दर खराब होने लगी
तो उसे डर कम और गुस्सा ज्यादा आ गया कि ये क्या बदतमीजी है, और अपने डर को पूरा भुलाते हुए वो जोर से चिल्लाई, कौन है, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, ये क्या कपड़े गंदे कर रहे हो? और बस वो आखिरी दिन था उन खून के धब्बों का। बच्चे आज भी कहते जो भी आत्मा थी एक आदमी की ही थी, जिंदगी में भी अपनी बीवी से ऐसे ही डांट खाता होगा, कहीं उसकी मौत उसी चक्कर में तो नहीं हुई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।